नमो वरिंतारम नमो सिद्धारम नमो वारियारम नमो वज्रायारम नमो लोये सवसाहुकम शुद्धात्मान मनेकांतम साधुमुत्तम मंगलम वंदे संदृष्टि सिद्धार्थम संदृष्टार्थ प्रकाशकम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदाच्यो जैन धर्मोस्त मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम इंद्र सद्वंदयानम एवं हिद मधुर विशद वक्काणम अंताचीत गुणानम विद भवानम रमोजनानम रोग का निदान रोग के अभाव के लिए है। जो रोग का निदान कराते हैं काय के लिए, रोग के अभाव के लिए। ऐसे ही बंध का ज्ञान भी बंध के अभाव के लिए। सोचो अभी चर्चा चल रही थी उसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं। अगर हथकड़ी से बंधा है, बेड़ियों से बंधा है, किसी पुलिस वाले ने बांधा है, अगर पर को दोष देते रहेंगे तो बंध का अभाव कैसे होगा। इन्होंने गवाही दी है, इनके कारण से हमको सजा हो गई। अगर गवाह का दोष देखेंगे तो हमारे अपराधों का अभाव कैसे होगा। बंध कैसे हुआ ये बात नहीं समझनी है, बंध कैसे रुके, बंध का अभाव कैसे, और बंध का अभाव कैसे हो इस बात को समझने के लिए बंध कैसे होता है ये समझना जरूरी है। जो ताला ऐसे लगता है वो ऐसे खुलेगा, बस और कोई बात नहीं। किसी चाबी से लगा है और किसी चाबी से खुलेगा ये कहां से आ गया। ये तो लगाने की चाबी है, चाबी लाना जरा, ये तो लगाने की चाबी है, खोलने की चाबी लाओ कि नहीं इसी से खुलेगा। ऐसे लगा है तो ऐसे खुलेगा, बस इतना सत्काम है। इन्हीं पैरों से बाहर गए और इन्हीं पैरों से घर आएंगे। जिस गाड़ी से आप बाहर आए उसी से घर में पहुंचा थे। कैसे, बढ़िया सुंदर वाक्य बोलना, दिशा बदलने पर, केवल दिशा बदलनी, गाड़ी नहीं बदलनी है, पैर नहीं बदलने हैं, चाबी नहीं बदलनी है, क्या बदलनी है, दिशा। ज्ञान बदलना है, ज्ञान कहां से बदलोगे, केवल अपने को सोचने की दिशा बदलनी है। हम अपनी विपरीत कल्पनाएं करते रहते हैं, इसलिए दुख का बंध होता रहता है, बंध की संतति चलती रहती है। यदि सम्यक कल्पना करने लगे, सम्यक विचार करें तो ये समझ लो बंध का भाव। इसलिए पंडित जी ने, बनारसी दास जी ने तो एकदम स्पष्ट लिखा, काहू सो न बंधो जीव। उनके ज्ञान में था द्रव्य बंध, काहू सो न बंधो जीव, बंधे एक रागादिक अशुद्ध उपयोग। छंद आपको याद होगा, समय सार नाटक में देखना, यदि कारमाण वर्गणाओं से बंध हो तो सिद्ध भगवान को भी बंध हो जाए, वहां भी कारमण वर्गना तो है। यदि योगों से बंद हो, योग की क्रिया से बंद हो तो अनंत भगवान को बंद होना चाहिए। अगर किसी चेतन अचेतन के घात से बंद हो तो यत्नाचार पूर्वक प्रवृत्ति करने वाले मुनिराज को भी बंद हो जाए। इरिया समिति से मुंडा चल रहे हैं, लेकिन उड़ने वाला जीव तो इरिया समिति से नहीं उड़ रहा,
वो एकदम ऐसे उन्होंने देख कर किया, एकदम बीच में आ गया और मर गया। बताओ क्या करें। अगर इन बाह्य कारणों से बंद होते हों तो इनमें दोष आ जाए, सिद्ध नहीं होता बाह्य कारणों से बंद। काऊ सो न बंधे जी, बंधे एक राजा जी अशुद्ध उपयोग सो। पुरुषार्थ सिद्धि पाए में अहिंसा के प्रसंग में किया, जो अयतनाचार प्रवृत्ति वाला जीव है उसके निरंतर हिंसा होती रहती है, जीव न मरे तो भी। और यतनाचार पूर्वक प्रवृत्ति करने वाला, अयतनाचार वाले को तो हिंसा निरंतर होती रहती है, अग्रे धावती आगे आगे चल रही हो। और यतनाचार प्रवृत्ति वाले जीव के द्वारा अगर कोई जीव का घात भी हो जाए तो भी उसे हिंसक नहीं कहा जाए। सबकाचार्य जी पंडित सदा सुखदास जी की टीका में तो एक और दृष्टांत सुंदर दिया अभिप्राय का। देखो धीमर जाल डाले और मछली उसमें न फंसे तो भी वो हिंसक है। और किसान खेती कर रहा है, अनछना पानी ढोल रहा है, फसल काट रहा है, बो रहा है, घास निकाल रहा है तो भी वो हिंसक नहीं। क्यों? चरणानुयोग पद्धति में संकल्पी हिंसा को मुख्य रूप से हिंसक कहा जाता है। संकल्पी हिंसा, उसका किसान का जीव मारने का अभिप्राय नहीं है, उस किसान का खेती करने का अभिप्राय। आरंभी हिंसा वाले जीव ने चूल्हा इसलिए नहीं जलाया है कि जीव मरे, उसने अपना भोजन बनाने के लिए और कोई कार्य के लिए देख करके सोच करके जलाया। लेकिन उस दृष्टांत में भी कितनी सावधानी से कही, वक्ताओं की सावधानी, लेखकों की सावधानी। देखो क्या कहा, वह किसान सारे फसल को काटता है लेकिन उससे कोई 100 रुपया दे करके भी, एक मोहर दे करके भी कहे कि तुम एक पत्ता तोड़ दो अनावश्यक रूप से, कि नहीं तो हम अनावश्यक रूप से एक पत्ता भी नहीं तोड़ेंगे, वैसे पूरा खेत काटेंगे। अनावश्यक रूप से एक लोटा पानी नहीं फैलाएंगे, वैसे पूरा खेत सींचा जा रहा है। वहां लोभ बुद्धि हो गई, मारने का अभिप्राय हो गया, संकल्प हिंसा हो गई। यत्नाचार का मतलब केवल बाह्य यत्नाचार ही मत लेना, देख करके सोच करके। यत्नाचार का मतलब अंतंग यत्नाचार भी विचार करना। यत्नाचार का अर्थ है जिसको हम लौकिक भाषा में सावधानी कह देते हैं, एक दूसरे में मिलाए नहीं। एक बड़े थैले में छोटी छोटी थैली रखी है और प्लास्टिक की नहीं, कागज की, उसमें चावल है, शक्कर है, दाल है, थैला सावधानी से ले जाना, मतलब कोई थैली फट करके मिल न जाए दूसरे में। सावधानी से बोलते, सावधानी से। ऐसे यहां भी कहते हैं सावधानी से सुनना, मतलब अपना अंश पर में मत मिलाना, पर का अंश अपने में मत मिलाना, इस भरोसे मत बैठे रहना कि सुनते सुनते ही ज्ञान हो जाएगा, व्यवहार करते ही करते परमार्थ मिल जाएगा, पढ़ते पढ़ते ही ज्ञान हो जाएगा। ज्ञान के बीच में पढ़ना सुनना आएगा, लेकिन पढ़ते ही पढ़ते ही ज्ञान हो जाएगा, सुनते सुनते ही ज्ञान हो जाएगा, ऐसा समझ करके मत बैठ बैठ। पढ़ करके सुन करके जो अंतर्मुखी होंगे
जो अपने में उपयोग लगाएंगे उनको ज्ञान होगा। जिन शास्त्रों के पढ़ने की बात कर रहे हैं, अखबार पढ़ने की बातें नहीं है। क्या कहें, बड़ा तरस आता है। सवेरे से अखबार देखते रहेंगे, चाय पीते रहेंगे, दर्शन पूजा स्वाध्याय का ठिकाना नहीं। भैया ये चर्या तो विपरीत है तुम्हारी, ये अभिप्राय भी विपरीत है तुम्हारा। भीतर सोच रहे हो इसमें कुछ होगा, अरे सब कुछ इसमें है। निज स्वरूप को परम रस जामे भरो अपार, बंदो परम आनंदमय। अखबार में नहीं है, इसमें है। प्रसंग पड़े, कदाचित कोई घटना हो, देख लेना अलग बात है गृहस्थ की भूमिका में, लेकिन उस अखबार का व्यसन मत बनाना। सवेरे से अखबार पढ़ने लगेंगे, घूमते रहेंगे, और प्रवचन में जब पंडित जी बैठ जाएंगे उसके बाद ही जाएंगे। ये बहुत गंदी आदत है, अहंकार की आदत है, प्रमाद की वृत्ति है, अच्छी बात नहीं। जिन वाणी विराजमान होने से पहले बैठना चाहिए। ये स्तुति वंदना कौन करेगा, अब आप करोगे? किसी कारण कोई लेट हो जाए तो लेट भी आकर के बैठ जाओ, लेकिन जानबूझ करके लेट तो नहीं होना चाहिए, प्रमाद से लेट नहीं होना चाहिए। समय सार जी में एक गाथा है, विद्वानगण परमार्थ को छोड़ करके व्यवहार में प्रवर्तन करते हैं। अमृतचंद स्वामी ने ये अर्थ किया, लेकिन जयसेन स्वामी ने अर्थ किया, विद्वानगण परमार्थ को छोड़ करके, भूतार्थ को छोड़ करके व्यवहार में प्रवर्तन नहीं करते। व्यवहारे न प्रवर्तन्ते, व्यवहारेण प्रवर्तन्ते, इतना अंतर हो गया। माने अमृतचंद स्वामी ने व्यवहारेण प्रवर्तन्ते किया लगा ली, और इन्होंने व्यवहारे न प्रवर्तन्ते, व्यवहार में नहीं प्रवर्तते। क्या दोनों आचार्यों में कोई विरोध है? विरोध तो नहीं। विरोध अज्ञान में होता है, कथायों में होता है, वस्तु में विरोध नहीं। नित्य अनित्य, एक अनेक, सत अनस, धर्म एक साथ रहते हैं वस्तु में। विश्व में धर्म अधर्म, द्रव्य एक साथ रहते हैं। अज्ञान में विरोध है, कषायों में विरोध है। कषाय छोड़ो, वही विरोधी भी मित्र हो जाए, और कषाय जरा कर अपनी तन गई, तीव्र हो गई, तो मित्र भी विरोधी हो जाएगा। हम व्यक्ति को विरोधी मान लेते हैं, ये भारी भूल है हमारी। हमारे विरोधी भाव हैं मोह राग द्वेष। इन मोह राग द्वेष हमारे ज्ञान का घातक घात करने वाले हैं। तो लिखा जयसेन स्वामी ने कि विद्वान भूतार्थ को छोड़ करके परमार्थ में नहीं प्रवर्तते। निका ये क्या मतलब, क्या लिखा है? विचारते रहे, बड़ी सुंदर बात लिखी है आचार्य भगवान ने। सामायिक को छोड़ करके स्वाध्याय नहीं करते, स्वाध्याय को छोड़ करके भक्ति नहीं करते रहते, गाते नहीं रहते, घूमते नहीं रहते, और पूजा को छोड़ करके घूमते नहीं रहते, खाते पीते नहीं रहते, उल्टा चलने का क्रम नहीं। आप उधर के भी सारे कार्य छोड़ करके भगवंतों की पूजा करो, पूजा पूरी कर अगर टाइम किसी कारण से कोई काम कम मिला तो पहले स्वाध्याय करो, और अगर उपयोग ध्यान में लगे, सामायिक में लगे, तो पहले। लेकिन कल्पित ध्यान की बातें नहीं है, ध्येय के ज्ञान के बिना ध्यान नहीं होता, भेद ज्ञान के बिना ध्यान नहीं होता।
सच कह रहे हैं, अगर भेद ज्ञान के बिना ध्यान करने बैठोगे तो धर्म ध्यान करने बैठोगे और हो जाएगा आर्द्रोग ध्यान, कहीं का कहीं चला जाएगा। जिसको जिसमें हमारी अंतरंग प्रीति है, जिसमें अपनत्व भाव है, वहां ध्यान करना नहीं पड़ेगा, जबरन पहुंच जाएगा। अरे साधन लगाया है कि नहीं लगाया है? अरे उसे कह दिया था, वो आदमी आया कि नहीं आया? कभी कभी असत्य अवस्था में पड़े हुए बुजुर्गों को घर में ऐसे विकल्प करते हुए बहुत देखा जाता है। वो आ गया कि नहीं, किवाड़ बंद हो गए कि नहीं? अरे तुम अपने बंद कर लो, जिसमें ये विकल्प और ना भीतर घुसे। वो आ गया कि नहीं आ गया? तुम्हें भगवान का ध्यान आ गया कि नहीं आ गया? अपने स्वरूप का ध्यान आ गया कि नहीं आ गया? तत्वों का विचार आया कि नहीं आया? लेकिन नहीं, वो लेटे हैं और उठा नहीं जा रहा, अशक्त अवस्था है। और तुम किवाड़ लग गए कि नहीं? फलाना आ गया कि नहीं आ गया? उसके उसको दे दिया कि नहीं दे दिया? वो आज आया था दुकान पर, लड़का है, ए इधर आ, वो पैसा दे गया कि नहीं दिया? अरे भैया क्यों आर्थ ध्यान में पड़े हो? कितना ध्यान है लेकिन कौन सा ध्यान है? सोचो, ध्यान जब अपनत्व होता है और उपाधेय बुद्धि होती है तब ध्यान स्वयमेव होता है, ध्यान करना नहीं पड़ेगा। सच बात है, धर्म ध्यान आनंद रूप होता है। धर्म ध्यान कैसा है? आनंद का कारण है। तो जब आनंद आत्मा में भाषित होगा तो आत्मा का ध्यान होगा, आनंद पैसा में लगेगा तो पैसा का ध्यान होगा, भोगों का में आनंद लगेगा तो भोगों का ध्यान होगा। आपको एक कार्यक्रम बना लेते हैं हम, बस ध्यान, एक कार्यक्रम नहीं है, ये अक्रम है, निरंतर। आत्मा में अपनत्व का विचार करो बारंबार, बुद्धिपूर्वक का उपाय या पुरुषार्थ तत्व विचार ही है। आप जितना तत्व विचार में उपयोग लगेंगे, उस पर्याय की जिस समय निर्विकल्पता की पर्याय की योग्यता होगी, आई जाएगी, वो रुकेगी नहीं। हो सकता है आपको आज ही आ जाए, इनको कल आए, उनको परसों आए, इनको अभी आ जाए, ये हो सकता है वो पर्याय, लेकिन खेचतान करके तो नहीं आएगी। शुद्धात्मा, कोई दृष्टांत दिया था पहले, स्त्री के पति के समान है, जिसे किसी के लिए गौण नहीं कर सकते। वह शीलवती नारी पति के लिए किसी को गौण नहीं करेगी, निषेध नहीं करेगी किसी के लिए, पति की प्राप्ति के लिए सर्वस्व छोड़ेगी, लेकिन पति को किसी के लिए नहीं छोड़ेगी। स्थूल व्यवहार में गौण मुख्य होते हैं, वो अलग बात है। बच्चा भी खड़ा है और पति ने कहा पानी देना, ले लो, बच्चे को भोजन देने बैठ गए। बच्चा तबीयत खराब है तो बच्चे की सेवा कर रही है, तो पति के भोजन दे देना, आप बेटी से कह दिया अब दे देना पापा को भोजन, खत्म। लगता है ऐसा है कि गौण कर दिया उसने, लेकिन नहीं, उस समय भी उसके हृदय में पति उसका सर्वस्व है, सारे सुहाग का आधार उसका पति। ऐसे ही सारे योग्य व्यवहार का आधार है हमारा शुद्धात्मा का परमार्थ। अगर परमार्थ नहीं है तो व्यवहार भी आगे पीछे उल्टा सीधा कर, आगे खेचता, एक क्रिया ऊंची एक क्रिया नीची, एक जगह बहुत एक जगह कम, जिसका सम्यक ज्ञान सम्यक चारित अधिकार में टोटोमल जी ने खूब वर्णन किया। और अंत में क्या लिखा, अगर धर्म बुद्धि हो तो धर्म के सारे अंगों में यथा योग्य प्रवृत्ति हो, एक में ऊंची एक में नीची ऐसा नहीं हो, ये तो धर्म की प्रभावना नहीं, धर्म का उपवास है। 10 दिन तो ऐसा लगता है हम जाने क्या हो गए, और 11वें दिन चाट के ठेले पर टूट पड़ते हैं, ये प्रभावना नहीं अप्रभावना। कितने ही अपने को
त्यागी तपस्वी मान करके निशंक क्रोध आदि करते हैं, वो कितने ही त्याग नहीं करते, ऊपर नहीं बढ़ते, सोचते नहीं कथायों के भय से। योग योग क्रिया जिन धर्म की तो ये आमनाय है। क्या आमनाय है? जिस पद में जो क्रिया हो वह सब यथा योग्य अंगीकार करे। तो हम ये कह रहे थे भाई, विचारना रोग का निदान रोग के अभाव के लिए, बंद का ज्ञान भी बंद के अभाव के। बंद कैसे हुआ? ऐसे हुआ तो कैसे छूटेगा? ऐसे अपराध से बंधा है तो राज से छूटेगा। राज शब्द का प्रयोग किया है, राज माने आराधना। अपराध से बंधा है तो राज से छूटेगा, किसी के कारण बंधा भी नहीं है तो किसी की कृपा से छूटेगा भी नहीं। निज काल पाए विद झरना, तासो निज काज न सरना। पुराने कर्म झड़ेंगे नए कर्म बनेंगे, पुराने कर्म झड़ेंगे नए कर्म बनेंगे, पुराने कर्म झड़ेंगे नए कर्म बनेंगे। संतति संसार की चलती ही रहेगी, रुकेगी नहीं। बंध का ज्ञान बंध के अभाव के लिए है। जब ये हमने अपना प्रयोजन स्थापित कर लिया, अब बंध का ज्ञान भी उसी प्रकार से करो। अब अगर बंध के लिए अगर दूसरे का दोष देखेंगे तो मोक्ष के लिए दूसरे की ओर देखते रहेंगे, कृपा पर निर्भर रहेंगे। अनुकंपा हो जाए आपकी, अनुकंपा आपकी हो जाए अनुकंपा, आपकी अनुकंपा हो यार। अभी अनुकंपा आपकी नहीं है, क्या मतलब हुआ? अरे सुनो, परमार्थ से सुनो, उनकी अनुकंपा कभी नहीं होगी। वीतरागी परमेश्वर वीतरागी है और वीतरागी ही रहेंगे, उनकी अनुकंपा कभी नहीं होगी। शराबी का मुंह घूम जाता है तो उसको ये लगता है पेड़ हट गया, दृष्टांत आपको आता होगा। वो चला चला जा रहा सामने, पेड़ आ गया, ये पेड़ अपनी भाषा में पेड़ के बच्चे हटता है कि नहीं मालूम है कौन आ रहा है। हट जा, अच्छी तरह कह रहे हूं, देख अभी हटेगा। एक लात घुमाई से घूम गया, देखो हटा कि नहीं हटा। ये दशा है, अरे रे प्रभु। अपन घूम जाता है तो पेड़ हट गया उसे ऐसा लगता है, अपने परिणाम सुधर जाते हैं तो हमको लगता है, हम सुन लेते हैं भगवान की तो हमको लगने लगता है भगवान ने हमारी सुन ली। अरे भगवान के केवल ज्ञान में तो निरंतर तुम्हारी सारी दशा झलक रही है, अलग से कोई थोड़ा सुनना है। 49वीं गाथा की टीका में समय सारणी में बहुत सुंदर एक शब्द है, रस वेदना परिणाम को पाकर के रस नहीं चाहिए। रस का ज्ञान तो होता है लेकिन रस वेदना परिणाम को पाकर के रस। मीठा तो रोज खा रहे, आज नमकीन लाओ, ये वेदना नहीं है। न जानने के लिए विकल्प है रस को, और न रस को जानने के बाद विकल्प है। बहुत अच्छा हो गया, अरे बेकार, इसमें नमक भी नहीं डाला, कैसा नमकीन है, नमक ज्यादा कर दिया। माने न तो उस रस को चाखने के लिए कोई वेदना है विकल्प है, और न रस को जानने के बाद कोई विकल्प है।
रस के ज्ञान के साथ भी, ज्ञान के समय भी रस के साथ तादात्म नहीं है, उसका तादात्म पना अपने भीतर है। अब आप समझो रस का ज्ञान तुम्हें कैसे हो सकता है और रस का स्वाद कैसे आ सकता है। कभी गुड़ का स्वाद लिया है? कभी नहीं लिया, आज तक नहीं लिया और अनंत काल तक ले भी नहीं सकते। गुड़ का जो मिठास है वो गुड़ में है और गुड़ में ही रहेगा। गुड़ से आपका मुंह भी मीठा नहीं होगा, गुड़ से आत्मा मीठी होने की बात तो बहुत दूर है। अगर गुड़ खाने से मुंह मीठा हो जाए तो एक बार खाने से होता है या एक किलो खाने से होता है? एक बार खाओ चाहे एक किलो खाओ, मुंह तो फीका का फीका रहेगा। ज्ञानियों ने दृष्टांत बना दिया इसका। ज्ञानी तो मुख जग में रहे ज्यो जिभ्या मुख माए, ज्ञानी तो जग में रहे ज्यो जिभ्या मुख माए, घी घनो भक्षण करे तो चीकनी ना। अगर और ये बढ़िया बात है, अगर आपका मुंह मीठा नहीं होता, नहीं अगर मुंह मीठा हो जाए तो दास रोटी कैसे खाओगे मीठी लगेगी? नमकीन का स्वाद कैसे लोगे, खट्टे का स्वाद कैसे लोगे? लेकिन नहीं होता, आपको समझ में आ रहा है? बिताओ नहीं होता, खाते केवल वह गुड़ में उपयोग जुड़ा है, वह उसकी अपनी कल्पना का स्वाद लेता है। पंडित टूटरमल जी ने विषय सुख की एक बहुत सुंदर चर्चा की। विषय सुख कैसा है? स्वयं ही इच्छा की थी, स्वयं ही ज्ञान में आया और स्वयं ही सुख की कल्पना कर ली। जो वहां सुख नहीं है, सुख की कल्पना है, सुख नहीं है। सुख नाम का तो गुण ही नहीं है, मिठास तो चलो उसमें है लेकिन सुख नाम का गुण तो है ही नहीं। और जब है नहीं तो कहां से आएगा? इसका मतलब है सुख तेरी कल्पना में से आया है अथवा सुख की कल्पना मात्र ही है। कल्पना में से आया है ऐसा नहीं, वो सुख की मात्र कल्पना है तेरी। तो फिर क्या है कि वास्तव में वह दुख है, सुख नहीं। वह इंद्रिय सुख, विषय सुख, वह केवल दुख है, सुख नहीं है, कल्पना मात्र है। कल्पना मात्र रम्यम, कल्पना मात्र। ध्यान रखना, उल्टा मत कर देना कल्पना से सुख हुआ। हाँ, जब तक ये समझोगे तब तक वो कल्पना मिटेगी नहीं, फिर कल्पना करोगे। सुख तो चाहता ही है, कल्पना से सुख नहीं हुआ। मिथ्या कल्पना से कभी जीव को सुख नहीं होता, सुख की भी कल्पना ही की है, सुख की भी कल्पना ही कर बैठा हुआ जीव। ऐसा नहीं हम कल्पना कर रहे थे और बस, और कल्पना में से सुख हो गया, सुख तो हुआ ही नहीं है। सुख की भी एक कल्पना है, भ्रांति है। इंद्रिय सुख और अतिंद्रिय सुख के वेद ज्ञान कराते समय एक बात आपने सुनी होगी, सुख की कल्पना कर लेना अलग बात है, भ्रम से सुखी मान लेना अलग बात है और सुखी होना अलग बात है। यहां हम सुख की कल्पना करके सुखी मान लेते। बहुत भीड़ हो गई, बहुत लोग आ गए, आज अच्छा है, आज भरा भरा दिखाई दिया। अरे तेरा कहां भर गया? ये तेरे में तो भरे नहीं और तेरे में तो खाली हुए नहीं। कल कहा था कि परसों कहा था, संख्या को कम देख करके हतोत्साहित मत हो जा। सत को संख्या की जरूरत नहीं है, ये व्यक्तिगत साधना है। पूजा करने आए और कोई पुजारी नहीं था, अरे अभी कोई आया ही नहीं, दुखी मत हो जाना। उतनी देर बैठ करके भगवान को निहारना, विचारना, विचारना और निहारना दोनों होना चाहिए। अब
को लाने की जरूरत है। अभी स्वाध्याय में कोई आया ही नहीं। अरे नहीं आया, बैठ जाओ। हमने आपको कम से कम लौकिक स्थानों पर अपने स्थानों पर स्थानीय स्वाध्याय का एक तरीका कहा था, चौकी लगाओ और बैठ जाओ। ये आकर के बैठ गए, जरा जोर से बोलने लगा। चार बैठ गए तो और जोर से बोलने लगा, और 50 बैठ जाएंगे तो बेई माइक लगाएंगे, तुम्हें जरूरत नहीं। भाई सुनाई उनको नहीं देगा, हमें क्या तकलीफ है? ये माइक हटा दो, नहीं लगा, हमें क्या तकलीफ है? और सुनाई उनको नहीं देगा, इंतजाम करें, हम क्यों करें? दिखाई नहीं देता तो बे ऊंचा आसन कर दे, हमें कभी ऊंचा आसन मत चाहना, आत्मा से ऊंचा कोई नहीं। हम सर्वोच्च आसन पर बैठे हैं, हमें ऊंचे आसन की क्या जरूरत? मतलब अकेले बैठ करके स्वाध्याय करना और कोई आ जाए तो जोर से बोलने लगना, और चार आ जाए तो और जोर से बोलने लगना, उसके बाद की व्यवस्था उनकी है, तुम्हारी नहीं। इतना धैर्य हो, इतनी प्रीति हो तो स्वाध्याय करा पाओगे आप, और नहीं तो स्थानीय स्वाध्याय तो बहुत मुश्किल है। क्यों बेटे स्वाध्याय क्यों नहीं करते तुम उन गांव में? अपन क्या करें, कोई आता है नहीं, अब हम ही चौकी लगाएं और हम ही शास्त्र विराजमान करें और हम ही स्वाध्याय करें, फिर वो आध घंटे बाद आकर के बैठ जाए। अरे तो आध घंटे बाद तो बैठती है, तब तक तुम्हारा स्वाध्याय हो जाता है, चिंतन हो जाता है। तुम्हें अपना स्वाध्याय करना हो तो तुम चौकी लगाओगे कि नहीं, सांस रखोगे कि नहीं, बैठोगे कि नहीं? अरे इनके निमित्त से तुम्हें मिल जाएगा अपना। हमारी संस्कृति जैन संस्कृति तो भाई पात्रों का उपकार मानने की है, दातार बनकर के उपकार करने की नहीं। दातार बनकर के उपकार करने की नहीं है, पात्रों का उपकार मानने की बात है। अगर ये सत्पात्र नहीं होते तो हमें अपने रागादि घटाने का मौका कहां से मिलता? इनके निमित्त से हमें अपने राग घटाने का अवसर मिल रहा है, हमारा भाग्य है। अगर ये प्लानिंग नहीं करते, ये हॉल बनाना है तो इसमें पैसा लगाने का मौका कैसे मिलता, ये बता। इनका उपकार मान रहे हो कि अपन एहसान कर रहे हो? ये उल्टी गंगा मत बहा, गंगा उल्टी बहेगी भी नहीं, तुम बहे चले जाओगे उल्टी। मतलब तुम्हें पाप बंधेगा केवल, किसी का कुछ बिगाड़। रिश्वत देनी हो तो खुशामद कर करके देगा, और दान देना हो तो हाथ जुड़वा जुड़वा करके देगा। क्या हो गया, चार दफे हमसे कोई कहे और क्या जरूरत है, क्या जरूरत है, क्या जरूरत है? हम ये पूछ रहे, मांगने वाले पात्र होते हैं क्या? तो जो पूछ रहे हो क्या जरूरत है, तुम्हें नहीं मालूम क्या जरूरत है? अभी बच्चे पूजा कर रहे थे बिना बनियान के, हमने इनको बुलाया कल, हमने भैया हाफ बनियान इनके लिए मंगा दो, पूरी सूख नहीं पाती है, एक एक मंगा दी तुमने और सूख पाती नहीं, और बच्चे निचोड़ नहीं पाते तो बनियान वो बनाए बिना निचोड़ी रह जाती, तो वो गीली बनी रहती है, अब बेचारे पहन नहीं पाते। हाफ बनियान मंगा दो और एक ही है, दो दो कर दो, क्या फर्क पड़ता है? दुपट्टे गर्मियों के अलग थोड़े रखो, सर्दियों के अलग रखो। अरे 2 महीने ही सर्दी, अरे 2 महीने की तो है, 2 महीने के दुपट्टे अलग कर दो और उनको फिर रखवा दो, और फिर अपने पतले में निकाल लो, थोड़ा उपयोग तो लगाना पड़े। लेकिन हम ये कह रहे हैं, अगर ये बच्चे नहीं हो तो हमें ये विकल्प कहां से आए, और आप कहां से लाओगे, और क्यों लाओगे, और कैसे लाओगे? रखते जाना, कमाते जाना, जोड़ते जाना, मर जाना। क्यों भाई? कमाते जाना और जोड़ते जाना, एफडी बना लेना, दुकान ले, वो क्या नाम, जमीन ले लेना, सोना ले लेना, बस जोड़ते जाना,
और अंत में छोड़ करके मर जाना। अगर ये पात्र नहीं हो तो कहां करेंगे, विचार कर। अरे आप देखो, चौथे काल की आज में भरत चक्रवर्ती पात्र ढूंढ रहे थे। ब्राह्मण वर्ग की स्थापना ही उन्होंने इसलिए की थी इनको दान देना। क्यों मुंडाज तो आते हैं और दो ग्रास आहार दिया, इससे क्या घट रहे हो? इतनी बड़ी संपदा और इसमें दो ग्रास आहार ले जाते हैं, और तो कचेंगे नहीं, उन्हें कपड़ा बड़ा कुछ चाहिए नहीं, तो अब इतने क्या घटेगा? और हमें इस संपदा का पुण्य के उदय से मिली है, इसका उपयोग करना है। तो उन्होंने कहा पात्र छांटो। अब पात्र कैसे छांटे? जो अच्छे से कपड़ा पहने हो, बड़ो हो, गोरो पीरो हो, मोटो डाको हो, वो पात्र है। जिसके हृदय में दया भाव हो, उन्होंने अपनी प्रजा का निमंत्रण कर दिया सब, और आगे मालूम है घास और या दलदल जो कुछ कर दियो रास्ते में। और आदमी चला चला आ रहा है चक्रवर्ती के यहाँ भोजन करने के लोभ से, और चला चला आ रहा है उस घास पर चल करके, कुछ लोग वहीं खड़े रह गए। आपको मालूम है कुछ लोग वहीं खड़े रह गए। चक्रवर्ती ने कृत्रिम रोष से पूछा, कृत्रिम रोष ऊपर का भीतर का नहीं, आप लोग क्यों खड़े हो? आप लोग कोई बड़े आदमी हो, क्यों खड़े हो? आप लोग क्यों नहीं आ रहे? महाराज हम आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर रहे, लेकिन इस घास पर चल करके कहते आ? मैं जैन धर्मी हूं। बद्रकर्ण राजा ने पद्म पुराण में कहा मैं जैन धर्मी हूं, मेरा तो ऐसा भाव है कि एक तृण को भी पीड़ा ना हो, सिंगोदर तो हमारा स्वामी है, इसकी बंधन छोड़ दो। हम इसको बंधन में, इसे बंधन में पड़ा हुआ देखना अच्छा नहीं लगता हमें, हमें गर्व नहीं हो रहा, दुख हो रहा है, हमारा स्वामी बंधन में पड़ा है। वही खड़ी रह गई, प्रसन्न होकर के चक्रवर्ती ने उनका उत्तर सुनकर के प्रसन्न हो गए। इनके हृदय में दया है, जीवों की दया है, सर्व जीवों में इन्होंने सिद्धत्व की स्थापना की है। भाषा नहीं है तो नहीं है, कोई बात नहीं, पदार्थ में भाषा क्या बता, चाहे पुस्तक कह दो चाहे बुक कह दो, ये तो भाषा का शब्द है, भाषा थोड़ी है। उसमें क्या है, पुस्तक है कि बुक है? क्यों साहब, इसको पुस्तक कहते हैं या बुक कहते हैं? सही क्या है? अब सही क्या होता है? जो है सो है। हिंदी में उसको पुस्तक कह देते हैं, अंग्रेजी में उसको बुक कह देते हैं, क्या फर्क पड़ गया? और तीसरी भाषा में कुछ और कहते होंगे, चौथी में कुछ और कहते होंगे। नाम अनेक धराए, हम तो कबू निज घर आए। सोचो, शब्दों की मारामारी में मत पड़ना, शब्द जाल में मत फंसना, जगत के जंजाल से निकलने के लिए शब्द जाल में मत फंस जाना। शब्द जाल में अगर फंस गए तो ये समझो आकाश से उतरे खजूर पर उतरे, खजूर पर अटक गए, सारा हाथी निकल गया और पूंछ रह अटक गई उसमें, कहां कहां से निकल करके यहां आ गए और सब जाल में रुक गए। शैली बहुत बढ़िया है। अरे भले आदमी शैली देख रहा है, भाव देख पहले, शैली बहुत बढ़िया है, अच्छी नहीं, कुछ खास शैली नहीं है, शैली देख रहा है और उसमें रोस रोस कर रहा है, जटे नहीं। तुझसे जचवा कौन रहा है पंडित जी? कैसे जटे नहीं? अरे जांचने वाले जांचेंगे, तुझे कौन ने कहा कि जचे नहीं कि जचे? तेरी समझ में नहीं आई, तेरी बुद्धि की न्यूनता है, तेरी समझ में आई, तेरी बुद्धि की निर्मलता और विशेषता है, हम क्या करें इसमें? बहुत जीव उपदेश माने तो संतुष्ट मत होना, और कोई नहीं माने तो खेद खेद मत होना। सदैव ध्यान रखना, ज्ञानाभ्यास तो अपने लिए किया जाता, अपना हित समझने के लिए, अपने अहित के कारण समझने के लिए भी इसमें गर्वित हो गया अपना हित। ज्ञानाभ्यास अपने लिए किया जाता माने केवल अपने स्वरूप के लिए नहीं, स्वरूप को समझने के लिए,
और स्वरूप माने केवल वो अकेला स्वरूप नहीं, अपना हित समझने के लिए, अपना अहित समझने के लिए। जिसने प्रथमान योग पढ़ा होगा वह लौकिक जीवों को आदर्श में कभी नहीं बना पाएगा। हमारे आदर्श ये हैं, हमारे आदर्श ये नहीं है। ये सेठ हमारे आदर्श नहीं है, ये गाड़ी बंगला वाले हमारे आदर्श नहीं है, हमारे आदर्श ये हैं वितरागी। आदर्श तुम्ही मेरे, तुम्ही ही लगाया ना, तुम्ही में अगर तोड़ दें तो तुम ही मने, अने नहीं कोई आदर्श, अन्यथा शरणम नास्ति, अन्य कोई शरण नहीं है, अन्य कोई आदर्श नहीं है। किसी से प्रभावित नहीं होगा वो, किसी से प्रभावित नहीं हो पाएगा। आज कभी कुछ गड़बड़ हो जाती है, क्यों? हम जल्दी से वैभव और भोगों से प्रभावित होने लगते। अरे भाई, तत्व ज्ञान से प्रभावित होने दो, तुम वैभव और धूल से प्रभावित मत हो। विचारना ज्ञान अभ्यास अपने लिए माने एक अपना स्वरूप माने शून्य नहीं, अकेला ध्रुव नहीं, उत्पाद वह ध्रुव, अपना हित भी समझना, हमारा हित किस में। अपने हित का मार्ग भी समझना, हित का कारण भी समझना। हितैषी कौन है? तुम्हें ज्यादा पढ़ाई ना हो कोई बात नहीं, लेकिन ये तो समझना चाहिए कि हमारा हितैषी कौन है, हमारा शत्रु कौन है। ये विषय कषाय शत्रु है तो विषय कषायों में फंसाने वाले निस्तारक कैसे होंगे? वे तो शत्रु के समान है। हमारा मित्र कौन है? हमारा हितैषी कौन है? जो हित के मार्ग में लगा वो हमारा हितैषी है। केवल सुविधाएं और भोग देता रहे वह हमारा हितैषी नहीं है। जो तत्व ज्ञान देकर के मुक्ति के मार्ग में लगाता है वह हमारा उपकारी है, वह हमारा हितैषी है। सोच बदलना होगा, चाबी नहीं बदलनी है, दिशा बदलनी है, केवल दिशा। हम किधर से सोच रहे? बाहर से सोच रहे, हमारे पास कुछ नहीं है। क्या नहीं है बताओ? कुछ दे सकते हो हमें? कुछ दे सकते हो? अरे आपको क्या देंगे, हमारे पास क्या है? अरे मूढ़, तेरे पास विनय है, तेरे पास समर्पण है, तेरे पास जिज्ञासा है, क्या नहीं दे सकता? हम भगवान को कुछ दे सकते हैं? अरे भक्ति देव, आपको विषय भार का दृष्टांत दिया था, और छोटी छोटी स्थितियों में भी है। बुझ जाच हूँ वो भक्त भव भव दीजिए, हम वर नहीं मांगेंगे, कोई प्रार्थना नहीं करेंगे, याचना नहीं करेंगे, लेकिन जो कछ इच्छा हो देन की तो गाड़ी, दो विध ऐसी करूं प्रीछो भक्त तुम्हारी। ऐसी बुद्धि आपके चरणों में लगी है आपकी, बस, और हमें कुछ नहीं चाहिए। पात्रों को का उपकार मानने की हमारी संस्कृति है, पात्रों पर एहसान करने की विकृति मत पालना। इनको भोजन कराया तुम्हारा एहसान नहीं हो गया, इनका उपकार है। और शास्त्रों में तो लिखा है सो लिखा ही है, आपने सुना भी होगा, कोई बड़ा आदमी वैसा आदमी है, त्यागी आदमी, तपस्वी आदमी, ज्ञानी आदमी, अपने घर आज हमारा घर पवित्र हो गया। कितने बहुमान से बोल, उन पात्रों की पूजा करने के बाद दान देने की बात है। दातार के
सात गुण पढ़े हैं, उनमें भक्ति पढ़ी है और नवदा भक्ति, नवदा भक्ति एक हम और दूसरी बता रहे हैं आपको, मन से वचन से काय से कृत से कार्य से अनुभूलना है। नवदा भक्ति का मतलब हम आपके वैराग्य की आपकी साधना की अनुमोदना कर रहे हैं। वो नवदा भक्ति भी है, उसका निषेध नहीं कर रहे हम, लेकिन ये न हम आपके ज्ञान वैराग्य की अनुमोदना कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, माने उस तरह की ज्ञान वैराग्य की प्राप्ति की भावना बहा रहे। अगर भावना नहीं भाई, अगर अंदर में हर्ष नहीं हुआ, उत्साह नहीं हुआ, तो फिर भक्ति आएगी ही नहीं। अनादि मिथ्या दृष्टि ही मोक्ष मार्ग में कैसे लगता है, पंचाशी काय में ये चर्चा है। अंत में जहां व्यवहारावलंबी, निश्चयावलंबी और उभयावलंबी नहीं, दोनों के सुमेल की चर्चा है, वहां ये चर्चा आई। पर यह श्रद्धे है, यह श्रद्धा करने वाला है, यह श्रद्धान है, इसका ज्ञान भली प्रकार से निश्चय आना चाहिए। यह ज्ञेय है, यह ज्ञान है, यह ज्ञाता है, इसका उसमें चार चार शब्द आ गए, तो श्रद्धे और अश्रद्धे ऐसे शब्द आ गए, ज्ञेय और अज्ञेय। ये ज्ञेय है, ये आचरणीय है, ये अनाचरणीय है, और अंत में एक शब्द आया, ये कर्तव्य है, अकर्तव्य है, आ गया। ऐसा निश्चय करने से मल को धीरे धीरे मंद करता जाता है, मन मोह छूटता जाता है, मोह ढीला पड़ता जाता है। आपको ये बात कही थी पहले, तत्व विचार करने से मोह मंद होता है और तत्व अनुभूति से मोह टूटता है, और कोई उपाय नहीं है। चाहे तुम कितनी बड़े आदमी बने रहो, बड़े पंडित जी बने रहो, चाहे बड़े त्यागी जी बने रहो, कोई उपाय नहीं है। सास उपाय न आन, ज्ञान घन घन बुझा। अरे भाई, मंद हुआ है, रोग तो ठीक होने की गुंजाइश है, अब मंद ही नहीं हुआ तो ठीक घटेगा, रोग मिट जाएगा कल, ये कोई बात नहीं। तो जब ये श्रद्धे अश्रद्धे, ज्ञे अज्ञे और आचरणी अनाचरणी, कर्तव्य अकर्तव्य का निश्चय करता है, तो मोह मल को क्रम से पछाड़ता जाता है। बड़ा सुंदर दृष्टांत दिया है, धोबी जैसे मैले कपड़े को धो रहा है, उस जल में डुबोया और उसने साबुन पानी लगा दिया, छार जिसको कह देते, तो धीरे 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 ज्यादा मैला हो गया ना, अब वो धीरे 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 साफ होता चला जाता है, मैल मंद होता जाता है और अंत में वो साफ हो जाता है। कभी आपने देखा, इस पर साबुन रख दो तो ये जितने में साबुन रखा जाएगा उसमें एक अलग से सफेदी और दाग दिखाई दे, देखा कभी? अब उसकी तुलना देखो, पूरा कपड़ा साफ है और ये कपड़ा इतना साफ है, अंतर है, ये कम साफ है, ये विशेष साफ हो गया, ठीक है ना। तो ऐसे ही तत्व विचार करते हैं, जब ये निश्चय में उपयोग लगाते हैं, निर्णय में उपयोग लगाते हैं, तो हमारा मोह मंद होता है। और जब मोह मंद होता जाता है, तो फिर टूटने की अवसर आ जाए। मंद 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 तम, मंद से के बाद फिर क्या है, मंद तर और फिर मंद तम, अंत में टूटने का। छम लग दी, विशुद्धि लग दी और देशना लग दी, ये तो हो गई, बाहर से भी थोड़ी समझ में आ गई। प्रायोगिक लब्धि क्या होता है? प्रायोगिक लब्धि शास्त्र में परिभाषा क्या है वो समझना, लेकिन प्रायोगिक लब्धि होती क्या है? प्रयोग से प्रायोग बन गया, अंतर प्रयोग। प्रायोगिक लब्धि के लिए क्या होना है?
अंतर प्रयोग जो हमने पढ़ा सुना है उसका अंतरंग में विचार चले और विचार करते करते वह विचार परिणामों की निर्मलता, विचारों की निर्मलता इतनी हो जाए कि उसका निमित्त पाकर के कर्म ऐसे टूट जाए, जैसे बुखार नापते थर्मामीटर से 3 हो गया, 2 हो गया, 99 हो गया, नापते रहते ऐसे ही इन परिणामों की नाप, कितना मंद कितना मंद, कि उससे कर्मों की पाप प्रकृतियों की स्थिति अनुभाग इतने घटिया, पुण्य प्रकृतियों की अनुभाग स्थिति इतनी बढ़िया, ये वहां से नाप कर दिया। लेकिन बुद्धिपूर्वक इतना क्या हुआ है, कर्म तो हमने तोड़े नहीं है, कोई दिखाई नहीं दे तोड़े ही क्या, कर्म तो कम नहीं किए हैं, उनकी न संख्या घटाई है न अनुभाग घटाया है, कुछ नहीं किया। कर्म में कुछ जीव का कर्तव्य नहीं है, ये जीव के परिणामों का निमित्त पा करके कर्म में स्वयं स्थिति बनी। संक्लेश परिणाम से विशुद्ध परिणाम से दोनों को एक में ले, अशुद्ध परिणाम ठीक है, अशुद्ध परिणामों से जो कर्म बने, कर्म का आश्रय हुआ, वह शुद्ध परिणाम का निमित्त पा करके अपने आप रुक जाए। इन कर्मों का संबंध परिणामों से है, आपसे नहीं है। एक व्यक्ति दृष्टांत दिया था आपको, किसी व्यक्ति के कारण से, और वह व्यक्ति उस मकान में किराए पर रह रहा था, मालिक नहीं था, किराए पर रहने वाले व्यक्ति के कारण से उससे मित्रता थी उसकी, तो वो उसके पास जाता था आता था, ठीक है ना। अब जब वो मकान खाली करके चला गया तो वे आने वाले अपने आप रुक जाएंगे नहीं, वे तो आ भी गया कोई भूला भटका, क्यों भैया वो, अरे वो तो चले गए भाई, ठीक भाई। इसको कर्म की एक पद्धति समझने के लिए दृष्टांत पूरा समझना। एक लड़का एक मकान में किराए पर आ गया, अब वो लड़का तो अच्छा था, सज्जन था, घर का सोने दे दिया, घर पर बना रहेगा बाहर। अब उस लड़के के दोस्त उसके साथ आने लगे और आने लगे, अब घर की मर्यादा भंग होने लगी। मकान मालिक ने कहा, इस लड़के से कहने से फायदा क्या, मित्रों से कहने से फायदा क्या। लड़के से बोले, परसों कमरा खाली कर देना, कल कमरा खाली कर देना। क्या बात है अंकल जी, बात नहीं है, तुमसे शिकायत नहीं है, अब तुम रहते हो तो तुम्हारे कारण 10 लड़के आकर के बैठते हैं, शोरगोल करते हैं, उदम करते हैं, हमारी व्यवस्था खराब होती है। ठीक, वह लड़का मकान खाली करके चला गया, ठीक है। अब जो लड़के के कमरे के कारण तो आता नहीं था कोई, कमरे के कारण तो आता नहीं था कोई, लड़के के कारण आता था। तो जब लड़का चला गया तो वे अपने आप वे वहीं के वहीं रुक गए। उसने वहीं फोन कर दिया, भैया हम वहां पहुंच गए, आओ, ठीक है। और रास्ते में कोई आता हुआ भी भूला भटका चला आया तो उसने कहा, भैया वो तो गए और इतना सुना लौटे, ऐसे ये राग तो गया इतना सुनते लौट जाएंगे कर्म, मोह तो गया मोह के कारण आने वाले कर्म लौट जाएंगे, फिर क्या करें हम आगे, हमें आत्मा से थोड़ी तुम्हारी से मतलब है, हमें तो मोह से मतलब था, जब मोह नहीं है तो हम क्या करेंगे आगे। बंद का अभाव करने के लिए भाव बंद की पद्धति को समझना ही होगा, इसीलिए भाव बंद और द्रव्य बंद, भाव आश्रव द्रव्य आश्रव, भाव निर्जरा संवर द्रव्य संवर, भाव निर्जरा द्रव्य निर्जरा, भाव मुक्त द्रव्य, ये भेद किए गए जीवा जीव विशेषा। अगर हम ये मानते रहेंगे कर्मों से हम बंधे हैं, सोचो अगर वो ये मानता रहे हम खंभे ने बांध लिया है तो कब छूट पाएगा,
कभी नहीं छूटेगा। तो पर का दोष देखने वाले कभी निर्दोष नहीं होंगे। राधा जी के होने में भी तेरा ही दोष है। पर का दोष देखने वाला कभी निर्दोष नहीं हो पाए। ऐसे अकेले द्रव्यबंध को पढ़ता रहे और समयसार जी में गाथाएं भी दी, बंध की जानकारी मात्र से बंध का निरोध नहीं होता, बंध के ज्ञान मात्र से बंध का निरोध होता है। बंध के ज्ञान मात्र से तो बंध का निरोध हो जाएगा, लेकिन बंध की जानकारी तुमने किताबें पढ़ पढ़ करके, शास्त्र पढ़ पढ़ करके जो कर ली है, ये पंडित जी अभियाल बता देंगे, हम भूल जाए तो अभी है। बंध किसे कहते हैं? बच्चा सुना देगा परिवार। बंध के कितने भेद हैं? प्रकृति प्रदेश से तुरंत सुना देगा। लेकिन इस जानकारी मात्र से बंध का अभाव होगा? नहीं होगा। बंध कैसे हुआ है, किस परिणाम से बंध हुआ? बंध के अंतर्बंध को देखना चाहिए। उस अंतर्बंध का नाम है भावबंध। उस भावबंध को देखना चाहिए कि जिसको समझे बिना बंध हुआ है, उसको समझे बिना बंध का अभाव नहीं होगा। ये बात समझनी पड़ेगी कि निगोदिया भी प्रचुर भाव कलंकार, फिर भी कलंकार नहीं। जीव दुखी है तो अपने भाव कलंक से दुखी है, जब भाव कलंक से दुखी है तो द्रव्य कलंक निमित्त मात्र है। अगर परद्रव्य के कारण दुखी हो तो दुख दूर करने में पर की सहाय चाहिए। सारे रनवास के कारण, सारे साम्राज्य के कारण अगर राग होता हो तो वैराग्य के लिए सबकी अनुमति चाहिए, सबकी सहमति चाहिए। क्यों भाई? अबे चक्रवर्ती तो ऐसे चले गए, बस इधर देखा ही नहीं, काम खत्म, ऐसे चले। कौन रो रहा है, कौन गा रहा है, कौन आ रहा है, कुछ नहीं। रूट छोड़ेंगे ऐसे जो देखते कि कोई मनाए हुए आ रहा हो कि नहीं आ रहा। वैराग्य से गए थे, द्वेष से नहीं गए थे, चले गए। अब इसका मतलब क्या हुआ, आप क्या समझ पाए थे? इसका मतलब है वे राग नहीं कराता था, वो परिकर पूरा का पूरा राग होता था यहाँ से, और यहाँ से राग है। जीव के बंध का कारण परद्रव्य नहीं है, जीव स्वयं अपने अपराध से बंधा है। देखो अध्यात्म पंचाशतिका 50 दोहा है, मैं लिखा है, जीव बंधा है कर्म से यही कथन है हे, जीव बंधा निज भाव से यही कथन आदि। जीव कर्म से बंधा है ये भी कथन है, लेकिन जीव बंधा है कर्म से, वास्तव में कर्म के कारण ही बंध गया है, यही कथन है हे, जीव बंधा निज भाव से यही कथन आदि। आगे पढ़ो अध्यात्म, जीव बंधा निज भाव से यही यह कथन भी है, जीव सदा निर्बंध है यही कथन आदि। जीव बंधा निज भाव से यह कथनी भी है, जीव सदा निर्बंध है यही कथन आदि। होता क्या है, हम शुद्ध नय को जाने बिना, निश्चय नय को जाने बिना, उस व्यवहार को निश्चय मान लेते हैं, उस व्यवहार को व्यवहार मान लेते हैं। ये कैसा भी माँ है और ये बेटी माँ, अरे कहाँ की सगी, मैंने थोड़ा निकट देखा तो हमने सुना, ऐसे ही उस व्यवहार को परमार्थ मान लिया। परमार्थ कुछ अलग है भाई, और व्यवहार के परमार्थ को छोड़कर के व्यवहार नहीं, अशुभ को छोड़कर के व्यवहार में तो लगो, लेकिन परमार्थ को छोड़कर के व्यवहार में नहीं। ज्ञानानंद श्रावकाचार्य में एक सुंदर चर्चा है,
एक समूह सेवकों का समूह जंगल की ओर से निकला। वहां एक मुनराज विराजमान थे। मुनराज को देखते ही भव्य जी वैसे प्रसन्न हो गए जैसे सूर्य को देखते ही कमल खिल जाते। पत्थर के न खिले तो न खिले, हम क्या कर। कागज के नहीं खिले तो नहीं खिले, हम क्या कर। लेकिन कमल होगा तो खिलेगा। जिन्हें इन भगवंतों को देख करके प्रसन्नता न हो, जिन वाणी को सुन करके प्रसन्नता न हो, कोई पत्थर बुद्धि होगा, पत्थर लगवा दे हमारे नाम को, भगवान की स्तुति का नहीं। ए भैया, ये भगवान के लगे यहाँ, एक भगवान की स्तुति और लगवा दो हमारी। कोई आता है तो पढ़ तो ले भगवान का संदेश, भगवान की स्तुति। नहीं नहीं, हमारा ये पत्थर लगवा दो, हमारा नाम डरवा दो, हमारा नाम पढ़ोगे, तुम्हारा नाम है ये, काय को मरे मुफ्त में। पत्थर बुद्धि तत्व को सुनकर के नहीं खिलेगा तो हम क्या करें। कमल तो सूर्य के उदय होने पर खिलेगा ही खिलेगा। और आत्मानुशासन में तो और सुंदर एक बात गई, सूर्य की किरणें यद्यपि ताप उत्पन्न करती हैं, सूर्य की किरणें यद्यपि ताप उत्पन्न करती, गर्मी लगने लगती है, लेकिन भव्य जीवों को तो वह आनंद का ही निमित्त है, प्रसन्नता का ही निमित्त है। ये जिनोपदेश जगत के मोही प्राणियों को डर लगता है, अभियाल को छुड़ाएंगे, अब ये कहेंगे मंदिर आ गए कि नहीं, स्वाध्याय करते हो कि नहीं, अभियाल ये कहेंगे ऐसे बच के निकल जा। ये मोह का गहरा संस्कार है। प्रशंसा झूठी भी सुन सुन करके खुश होता रहता है, और दोष सांचे भी जान करके दूर करने का उपाय नहीं करता। ये गहरे संस्कार है तीव्र मोह के। भव्य जी प्रसन्न हो गए मुनराज को देख करके। मुनराज ध्यान में उस समय मग्न थे। कितने लोगों ने दूर से ही वंदना की। विवेकी जन बोले, हे दूर रहो जरा, इन मुनराज को हमारे आने का कोई संकेत न मिल जाए, आहट नहीं मिल जाए, नहीं तो इनके ध्यान में विघ्न करने का पाप बनेगा। सो वे दूर खड़े हो गए। कुछ श्रावक बोले, मुनराज का उपदेश और हो जाता तो आनंद आता, बैठो अभी मुनराज का ध्यान टूटेगा तब वे उपदेश देंगे। तो वहां एक पंक्ति आई, मुनराज तो परम दयालु हैं, सबके जैसी हैं, लेकिन वे आत्मध्यान को छोड़ करके उपदेश कैसे देंगे। अभी रुको, हम आई गए, दर्शन मिल गए भाग से, तो इनका उपदेश सुने बिना जाकर के हम करेंगे का जा रहे। और वे वहीं बैठ गए, थोड़ी देर में उनका ध्यान टूटेगा और वे हमें उपदेश देंगे। कितनी सुंदर लाइन आई, मुनराज तो परम दयालु है, ये कैसी है, लेकिन भी अपने आत्मज्ञान छोड़ करके उपदेश कैसे दे। समझ गए, विद्वान जन भूतार्थ व्यवहारे न प्रबंध। व्यवहार में नहीं प्रबंध, वहां विकथा छोड़ करके धर्म कथा में तो आ जाते हैं, धर्म कथा छोड़ करके विकथा में नहीं आते। आज दीक्षा ली और मग्न हो गए, उनकी आय थोड़ी थी और आज ही मुख चले गए और वे उपदेश ही देते रहे। वे उपदेश ही देते रहे, उनका उपदेश होता रहा और वे मुख भी चले गए। विचारना, शासन बहुत गंभीर है, गंभीरता से ही कहा जाएगा और गंभीरता से ही सुना जाएगा और गंभीरता से ही समझा जाएगा और समझने पर गंभीरता अपने आप आ जाएगी। अपने आप गंभीरता आए। प्रशांत मत गंभीरम विश्वविद्या कुलग्रहम भव्येक शरणम दिया श्रीमत सर्वज्ञ शासनम।
ये सर्वज्ञ का शासन हम सबके लिए शरणभूत है। ओम नमः। जिन वाणी माँ को